एलजेब्रा। तो अभी देखो, इमीडिएटली मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट जो हमारा सिलेबस है वहाँ स्टार्ट नहीं करूँगा। थोड़ा सा हम लॉजिक की बात कर लेते हैं, लिटिल बिट टॉक अबाउट लॉजिक, बिकॉज वी नो मैथमेटिक्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट लॉजिक। ओके, इफ मैथमेटिक्स देन देयर मस्ट बी लॉजिक। ठीक, अगर आपसे कोई कहता है 2 × 2 = 4, ठीक, 2 × 2 = 4, सो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आपको अब मान के चलो नथिंग इज ऑब्वियस इन द मैथमेटिक्स, कुछ भी ऑब्वियस नहीं है। ये तो ऑब्वियस है सर, नहीं बोलना है, ठीक है, नथिंग इज ऑब्वियस इन द मैथमेटिक्स, कुछ भी ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम बोल ही नहीं सकते ये सही है या ये गलत है। ठीक है, एक्चुअली जनरली हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी कुछ बोल देता है, कोई भी कुछ स्टेटमेंट देता है, तो हम कहते हैं यार सही है सही है, गलत है गलत है, यानी मतलब भेड़ चाल जो कहते हैं ना, भेड़ चाल चलते हैं, अरे ये कह रहा है तो ये भी सही होगा, ये नहीं। यू आर मैथमेटिशियन, इफ यू आर मैथमेटिशियन देन यू टॉक अबाउट ओनली लॉजिक। ठीक है, बिना लॉजिक के तो बात ही नहीं करनी है। सो इफ देयर इज गिवन 2 × 2 = 4, देन दिस इज नॉट ऑब्वियस। ठीक है, 2 × 2, इट मीन्स 2 × 2, ठीक है, 2 × 2, इट मीन्स 2 को मैंने 2 बार ऐड किया है। सिंपली अगर मैं कहूँ 2 में 2 ऐड किया है, इट मीन्स 4। और ये जितने भी, जैसे आपने पढ़ा है, एक्चुअली आपने ये पढ़ा होगा, 0 × एनी नंबर, ठीक है, एनी रियल नंबर इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये ऑब्वियस है नहीं बोलना, जब इनके प्रूफ आपको मिलेंगे, पता है इन चीजों के, ये जितने आपने ये भी पढ़ा है, यू ऑलरेडी स्टडीड माइनस, ये बहुत याद रटते थे आप लोग, आप लोग क्यों, हम लोग भी, ऐसा को नहीं है, जैसे -2 × 3, ठीक है, -2 × 3, माइनस प्लस, माइनस का होता था 6, है ना, ये बहुत याद रटते थे हम, अरे माइनस माइनस क्या होता है, कई लोग तो कंफ्यूज हो जाते थे, 6 + 6। ठीक है, जब आप ये अलजेब्रा पढ़ोगे, जब रिंग थ्योरी में आएंगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे भी होंगे, ये इन सब के प्रूफ आपको वहां मिल जाएंगे। देखो, जो हम मतलब स्कूल लेवल में करते थे, वही चीज अब हम हायर लेवल में करेंगे, बट विथ प्रूफ। ये कैसे हो रहा है, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ -2 × +3 = -6, ये सब कुछ हम करेंगे। तो ये आज से मान के चलो, विदाउट लॉजिक किसी की बात पे ना हम यस कहेंगे या नो कहेंगे, फर्स्ट लॉजिक देन वी विल एग्री फॉर स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं जस्ट छोटा सा लॉजिक के बारे में, लॉजिक। अब देखो, सपोज एक पॉइंट है ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बी, या दिस इज सोर्स या ओरिजिन और दिस इज डेस्टिनेशन। सपोज एक पॉइंट ए और बी है। अब एक पर्सन है, ए पर्सन हु वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी, देन द पाथ इज लाइक दिस। ए पर्सन हु इज ट्रेवलिंग फ्रॉम टू ए टू बी यूजिंग दिस पाथ। अब देखो रास्ते कितने हैं, अब मैं कहता हूं हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज द पीपल, ए पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ रास्ते, ठीक है, कितने रास्ते होंगे ए से बी में जाने के लिए,
ठीक है। तो मे बी 6, मे बी 5, मे बी 3, अब चेक करने के बाद ही मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि ये वाकई 6 लॉजिक आपका सही है या गलत है। एक्चुअली हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो विदाउट लॉजिक वी कैन नॉट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो आपके जो जब जैसे ही आप मैथ पढ़ना स्टार्ट करो, तो मुझे लगता है आपके जो जो व्यवहार है, ठीक है, जो आपका नेचर है, उसमें भी थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, क्योंकि लोग कहेंगे कि यार ये कुछ भी बोल देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप सोचोगे, थिंक करोगे, फिर बोलोगे। कोई बात नहीं, रिप्लाई थोड़ा लेट जाए, लेकिन अच्छा जाना चाहिए रिप्लाई। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप बोल दो हाँ ना ना, ये नहीं। पहले आप उसको थिंक करो, फर्स्ट थिंक देन एनालिसिस, एनालाइज देन से। तो ठीक है, ये 6 कई लोगों ने कहा है, मेजोरिटी 6 है, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे मैथमेटिक्स और नॉन मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है, ये भी दिखाता हूँ। अब सपोज ये नॉन मैथ्स स्टूडेंट है, ठीक है, नॉन मैथ्स स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास लॉजिक नहीं है। ऑफकोर्स वो क्या करेंगे, आप देखना, वो आप एनालिसिस करेंगे, यहाँ से ए से गए यहाँ और इधर, ये एक रास्ता इधर से जाएगा, ठीक है, ये बना लिया मैंने और ड्रॉ कर लिया इसके ऊपर, दिस इज वन, एक रास्ता ये, ठीक है। सिमिलरली ये ऊपर से ही गया, देन यहाँ पे सीधे इधर गया, दिस इज दो रास्ते, और ये सेम ऊपर से गया और ये थर्ड वाला यहाँ पे यूज किया ये, तो तीन रास्ते अभी तक मिले। अब क्या होगा, दूसरा लेता हूँ, अब वो यहाँ से जाता है, ठीक है, और इधर आता है, अब इधर सेम, अब फर्स्ट सेकंड वाले में फर्स्ट से ट्रेवल करेगा वन, और ऑफ कोर्स ये फर्स्ट वाला जो है, ये दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, यहीं पे रास्ते जो है डिवाइडेड है। सो ए ट्रेवल फ्रॉम दिस रूट एंड सीधे जाएगा, देन बी पे पहुंचेगा। सिमिलरली ये यहाँ से भी +3, ठीक है, तो टोटल 6 आए, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। ओके, सो नॉन मैथमेटिक्स ने अपना आंसर दिया, टेकिंग सो मच टाइम 6। अब बारी आती है मैथमेटिक्स के बच्चों की, ठीक है, वो क्या कहेंगे, हेयर नंबर ऑफ वेज, ठीक है, 2, सिंपल, नंबर ऑफ वेज इज 2 और नंबर ऑफ वेज इज हेयर 3, टोटल टोटल नंबर ऑफ वेज इज 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो कौन सा सिंपल हुआ, मैथ्स के लिए बहुत सिंपल हुआ, ठीक है। तो लॉजिक में इन लॉजिक, जस्ट मैं जो आप हाई स्कूल में पढ़ते आ रहे हो वो बता रहा हूँ, इन लॉजिक एक्स और वाई, अगर मैं कह रहा हूँ इट मीन्स द x+y, एंड एक्स एंड वाई अगर मैं कह रहा हूँ इट मीन्स द x × y, ठीक है। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे इन द फर्स्ट फिगर देयर आर टू वेज, अब ए जो है वो यहां से चला, ही कैन गो फ्रॉम दिस रूट और दिस रूट और दिस रूट, ओके, दोनों, ये नहीं कि एक पैर यहाँ रख दिया एक पैर यहाँ रखा और चल दिया, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़े रास्ते हैं, पाथ है। तो या तो यहां से जाएगा या तो यहां से, इट मीन्स द 1+1 इज इक्वल टू 2। ओके, ए पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम दिस वे और दिस वे, नॉट बोथ, दोनों में नहीं, एक साथ दोनों में नहीं, या तो ये या तो ये, देन एंड ऑफ कोर्स एंड द सेम पर्सन, या तो यहां से जाएगा इस वाले रूट से, ठीक है, या यहां से या यहां से, देयर आर 3 choices to go द वे,
ठीक है, तो दीज आर थ्री, सो टोटल नंबर ऑफ वेज एंड टू एंड थ्री, सो टू एंड थ्री मीन्स टू इंटू थ्री एंड सिक्स, सिंपल. द नंबर ऑफ वेज इज सिक्स. यस, एक्चुअली हमने यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइस ऐसे ही यूज किया है यहाँ पे, ठीक है, या टू सी वन, जैसे आपने कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो सिंपली हम वो एक्चुअली यहाँ यूज नहीं करेंगे. अभी जब आप स्टेटिस्टिक पढ़ो थर्ड ईयर में, अब जब चॉइस सब्जेक्ट होगा तो उसमें आप कर सकते हो, अदरवाइज अभी आप ये भी भूल जाओ कि आपने स्टेट पढ़ा भी है, अभी नहीं चाहिए. हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सोच लो जीरो से, तभी आप सीख पाओगे. जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. लॉजिक क्लियर है सबको? ये बेसिक चीज है, ठीक है, बेसिक. तो बेसिक अगर आपका फाउंडेशन, जो बेसिक अगर मजबूत रहा ना, तो आगे भी बहुत पकड़ बनी रहेगी. जैसे घर होता है ना, घर, हाउस, होम बनाते, घर बनाते हैं लोग, तो सबसे ज्यादा ध्यान उसके फाउंडेशन पे दिया जाता है, ठीक है. मतलब वो फाउंडेशन कितनी मजबूत है, जितनी फाउंडेशन मजबूत होगी उतना ही वो घर भी मजबूत होगा. वो एक कपिल शर्मा शो में एक डायलॉग था ना, तो वही, अगर जितना भी ये जो फाउंडेशन मजबूत होगा, घर भी वैसे ही मजबूत होगा, आप ये समझ लो. तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो एडवांस तो आपका क्लियर होगा ही. नाउ नेक्स्ट बात करूंगा मैं स्टेटमेंट की. दे ऑल आर, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ ये जस्ट फॉर द नॉलेज, नॉट इन सिलेबस. जब मैं सिलेबस कहूंगा तो ऑफकोर्स बताऊंगा. इफ वी आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, देन वी कैन से द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट, सिंपल. और ट्रू और फॉल्स, देन दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है. सिंपली स्टेटमेंट हैविंग कंडीशन ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज 1/2 इज रेशनल नंबर, योर आंसर इज यस, इट मीन्स ट्रू, ठीक है. इफ दिस इज ट्रू और फॉल्स, देन इट इज स्टेटमेंट, सो दिस इज स्टेटमेंट. अगर मैं ये कहूँ √2 इज रेशनल नंबर, इज दिस स्टेटमेंट? यस, बिकॉज इट्स आंसर इज फॉल्स, सो दिस इज अगेन स्टेटमेंट, ठीक है. ये भी स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स, यस और नो, और राइट एंड रॉन्ग. अगर ये चीजें आ रही है तो गिवन सेंटेंस इज ऑलवेज स्टेटमेंट. स्टेटमेंट मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि जब थियरम आएगा, व्हेन देयर इज गिवन एनी थियरम और डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, और ऑफ कोर्स थियरम्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है. थियरम्स होंगे या डेफिनेशन होंगे, वो हमेशा स्टेटमेंट के फॉर्म में होंगे, ठीक है. तो अगर मेरे पास कोई थियरम है, थियरम या डेफिनेशन, ऑफकोर्स डेफिनेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई डेफिनेशन, वो ऑलवेज, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, पी इज द स्टेटमेंट, पी इंप्लाई, अभी मैं नोटेशन भी लिखवाऊंगा जो हम यूज करेंगे, पी इंप्लाई क्यू, इस टाइप से हो सकता है. और डेफिनेशन तो ऑलवेज, डेफिनेशन और थियरम ऑफ कोर्स ऑलवेज पी इफ एंड ओनली इफ होता है, दिस मीन्स पी इंप्लाई क्यू एंड क्यू इंप्लाई पी, हियर पी एंड क्यू आर स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या होता है? पी इंप्लाई क्यू एंड क्यू इंप्लाई पी. चलो कुछ नोटेशन लिख लेते हैं जो हम यूज करेंगे. थियरम एंड डेफिनेशन आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट? फर्स्ट तो ये आप ध्यान रखना, जो भी थियरम और डेफिनेशन होंगे वो
स्टेटमेंट के फॉर्म में होंगे। और स्टेटमेंट किस फॉर्मेट का होगा, सपोज वी हैव टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू, तो थियरम एंड डेफिनेशन आर ऑलवेज फॉर्म ऑफ पी इम्प्लाई क्यू। दिस नोटेशन मीन्स अगर पी है, इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, अगर पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू। अब यहां पे इट मीन्स और जो भी डेफिनेशन होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर इट, द डेफिनेशन इज ऑलवेज इफ एंड ऑनली इफ। इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू। यानी इट मीन्स ये जो नोटेशन लिखा है मैंने सेकेंड, इट मीन्स होता है पी इंप्लाई क्यू एंड क्यू इंप्लाई पी। ठीक है, इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू। डेफिनेशन आर ऑलवेज इफ एंड ऑनली इफ। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो मैं नोटेशन लगा रहा हूँ, दिस पी इंप्लाई क्यू एंड क्यू इंप्लाई पी, इट्स कॉल्ड इफ एंड ऑनली इफ। और थियरम ये भी हो सकते हैं, ऑफकोर्स ये भी हो सकता है। थियरम देखो, पी इंप्लाई क्यू एंड पी इंप्लाई क्यू ऑनली भी हो सकता है थियरम्स, और पी इफ एंड ऑनली इफ क्यू भी हो सकता है थियरम को। थियरम जितने भी आएंगे हम देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे। सो दे आर द जस्ट नोटेशन। सो नोटेशन आपने क्या यूज किया, ये इम्प्लाई, इसको आप कहेंगे इम्प्लाई। आई थिंक यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ दिस साइन। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता है दिक्कत नहीं। दिस इज जो एरो इस साइड बना है, तो बोथ साइड एरो आप बना दो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे आई डबल एफ से। आई डबल एफ लिखा है, इट मीन्स इट इज इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। अब ये साइन कितनों ने देखा है, फॉर एवरी, फॉर ऑल, फॉर एनी, आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, सो दिस साइन इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। एक्चुअली वी हैव टू टाइप ऑफ क्वांटिफायर, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, एक ये होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट इट मीन्स देयर एग्जिस्ट। दिस सिंबॉल इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल। क्वांटिफायर, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, दियर एग्जिस्ट, जस्ट सिंबल मैं बता रहा हूं। जब यूज करोगे आप बार बार तो ये पता भी चल जाएगा। हमें ये नहीं याद रखना है कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ये एग्जिस्टेंशियल है, बस फॉर एवरी। अच्छा होगा कि अगर आप लैंग्वेज में लिखने से अच्छा होगा आप फॉर ऑल कर दो, यहां पे भी दियर एग्जिस्ट कर दो। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में। ठीक, देयर इज नथिंग टू शो, नथिंग टू प्रूफ। तो ये तो था बेसिक चीजें रिलेटेड टू लॉजिक एंड स्टेटमेंट। कुछ प्रूफ्स आते हैं, ठीक है, देयर आर सेवरल प्रूफ ऑफ द थियरम्स एंड देयर आर मेनी मेथड। जरूरी नहीं एक थियरम को प्रूफ करने के लिए आपके पास एक ही मेथड हो, देयर आर मेनी मेथड। सो हमारे पास बेसिकली वी हैव फोर फंडामेंटल प्रूफ टेक्निक्स। अगर आपको पता हो, अगर आपने पढ़ा हो प्रूफ कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिबिलिटी इंप्लाई कंटिन्यूटी। डिफरेंशिबिलिटी की जो कंडीशन है वो यूज करके आप कंटिन्यूटी उसको शो कर सकते हो, डायरेक्ट प्रूफ। अब डायरेक्ट प्रूफ में तो डायरेक्ट हो गया। सेकंड एक प्रूफ आता है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, सुना है कंट्राडिक्शन प्रूफ। कंट्राडिक्शन प्रूफ वी नो, प्रूफ ऑफ इंडक्शन,
मैथमेटिकल इंडक्शन भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो उसमें क्या होता है, एन इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू है ना, के लिए ट्रू है, प्लस के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया, तो सबके लिए ट्रू हो गया कहते हैं हम। ठीक है, एंड फोर्थ जो प्रूफ है आपने शायद ही सुना हो, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ, द प्रूफ बाय कंट्रापोजिटिव। फोर फंडामेंटल प्रूफ टेक्निक। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट प्रूफ, सिंपल है, इनको याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है अभी। इसमें क्या होगा, पी स्टेटमेंट, और मैंने बताया प्रूफ जो, अब जब भी हम प्रूफ करते हैं किसी भी थियरम का, पी इंप्लाई क्यू या पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ठीक है, तो पी इंप्लाई क्यू करे या क्यू इंप्लाई पी करे, तो एक ही स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं, जस्ट पी इंप्लाई क्यू टाइप का यहाँ पे। सो डायरेक्ट प्रूफ के लिए जस्ट पी गिवेन होगा, आप दिखा दोगे क्यू इज ट्रू। सेकेंड प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, इसमें क्या होता है, पी को ट्रू मानते क्यू फॉल्स लेके चलते, तो कुछ कंट्राडिक्शन आता है, पी कैन नॉट बी ट्रू टाइप का। सो कंट्राडिक्शन होता है, जब आएंगे तो हम करेंगे जरूर। सो प्रूफ बाय इंडक्शन, जस्ट एन वन के लिए ट्रू, के लिए ट्रू, के प्लस वन के लिए ट्रू, प्रूफ बाय इंडक्शन। फोर्थ प्रूफ बाय कंट्रा पॉजिटिव, ये फोर्थ वाला जो प्रूफ है उसको देखो आप, प्रूफ बाय कंट्रा पॉजिटिव। सो प्रूफ बाय कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब पी इंप्लाई क्यू, ऑफकोर्स पी इंप्लाई क्यू, अगर ऐसा है, ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है सबको पता होगा, पी इंप्लाई क्यू मीन्स, सपोज अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी, एक डिफरेंशिबिलिटी इंप्लाई क्वांटिनिटी, अगर नहीं, ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कुछ और भी एग्जाम्पल लेंगे हम, मैं मान के चल रहा हूँ, यू नो द डिफरेंशिबिलिटी इंप्लाई कंटिन्यूटी। सो पी इंप्लाई क्यू, कंट्रा बाय द कंट्रा पॉजिटिव मेथड दिस स्टेटमेंट इक्विवेलेंट, थ्री इक्वल लगा रहा हूँ, इट मीन्स इसको इक्विवेलेंट कहते हैं हम। ठीक है, ध्यान रहे, इसको इक्विवेलेंट पढ़ेंगे आप, इक्विवेलेंट। ठीक है, दिस पी इंप्लाई क्यू इट इज इक्विवेलेंट नॉट, अब ये निगेशन का साइन है, निगेशन, दिस मीन्स नॉट, नॉट क्यू इंप्लाई नॉट पी। अब ये जो साइन है, वेयर दिस इज निगेशन, निगेशन और नॉट, ठीक है, सिंपली निगेशन को आप नॉट कहोगे। पी अगर क्यू है, इफ पी इज ट्रू देन क्यू इज ट्रू, इट मीन्स इफ क्यू इज फॉल्स देन पी इज फॉल्स, आप ये बोल सकते हो, या इसको इस तरीके से भी बनाओ। देखो इसका दूसरा नोटेशन भी है मेरे पास, निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ पी, ऐसे भी बनता है ये सेवन, एक्चुअली सेवन कैसा होता है, ऐसे होता है ये, देखो ये आपका उसमें दिया थोड़ी ना होगा पेपर में कि ये आपको निगेशन है करके, अगर दिया भी होगा तो लिखा होगा नोटेशन, ठीक है, तो ये गिवन नहीं होगा, ये हमें याद रखना है। सो ये जो है निगेशन इस तरीके से, ये सीधा है, ये खैर ये साइन है, ये आपको याद रखना है, पेपर में नहीं गिवन होता है ये, निगेशन ऐसा होता है, अगर गिवन होगा वो लिखा रहेगा, दिस नोटेशन डिनोटेड द निगेशन। तो आपको यहां पे क्या रखना है, इफ पी इंप्लाई क्यू दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू नॉट क्यू इंप्लाई नॉट पी, ठीक है, नॉट क्यू इंप्लाई नॉट पी। अब देखो यहां से क्या फायदा हुआ, आपको यहां से फायदा ये हुआ, अगर डिफरेंशिबिलिटी इंप्लाई कॉन्टिन्यूटी है तो आप ये इसको इक्विवेलेंटली यू कैन से नॉट कॉन्टिन्यूटी इंप्लाई नॉट डिफरेंशिबिलिटी, ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूटी इंप्लाई
नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। अब इससे फायदा ये हुआ, सपोज एफ एक्स इज फंक्शन चेक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट पॉइंट कुछ दे दिया, तो आपको पता चला कि जब फर्स्ट तो कंटिन्यूटी चेक करोगे, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी। सपोज आपने फर्स्ट कंटिन्यूटी चेक की, ऑफकोर्स आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हो। सपोज आप कंटिन्यूटी आपको सही लगी, कंटिन्यूटी चेक की इसकी, तो आपको कंटिन्यूअस नहीं आया, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं आया, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कंटिन्यूअस हुआ तो आप डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे, हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो। लेकिन इफ यू गॉट ऑलरेडी द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देन वी नो इफ नॉट कंटिन्यूअस देन दिस विल बी नॉट डिफरेंशिएबल। सो डायरेक्ट आप बता सकते हो वहां पे भाई वो नॉट डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। डिफरेंशिएबल अगर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस होगा, वी नो। अब ये तो देखो, ये हमें पता था, ये स्टेटमेंट पता था, तो आपने इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट बना दिया, नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाई नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, कंट्रापॉजिटिव।